दोस्तों, क्या आप भी 20 के उम्र के पड़ाव में अपनी हाइट को लेकर संतुष्ट नहीं हैं? क्या आप कुछ और इंच अपना कद बढ़ाना चाहते हैं? वयस्क होने पर ग्रोथ हार्मोन के धीरे उत्पादन की वजह से कद बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाती है। ये हार्मोन्स मनुष्य के विकास को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हड्डियों के सिरे पर ग्रोथ प्लेट्स या एपिफिसिस की उपस्थिति के कारण ही हड्डियों की लंबाई बढ़ती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मानव ग्रोथ हार्मोन उत्पन्न करता है, जो कि ग्रोथ प्लेटलेट्स में हड्डियों के विकास को उत्तेजित करता है। अगर आप भी 25 की उम्र के बाद भी अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आसान उपाय इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। स्वस्थ और संतुलित आहार। कद बढ़ाने के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी होता है। गाजर, अंडे की जर्दी, मछली, आलू, पत्तेदार हरी सब्जियाँ, चिकन, बीन्स, नट्स, मटर, फल एवं डेयरी उत्पादों को आहार में शामिल करने की सलाह दी जाती है। कद बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में आवश्यक विटामिन, मिनरल और पोषक तत्वों को सोखने की पर्याप्त क्षमता हो। अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए दिन में 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। ट्रांस और सैचुरेटेड फैट युक्त खाने की चीजों से बचें, क्योंकि ये पचने में मुश्किल पैदा करती हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करती हैं। एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग। तैराकी और साइकिल चलाने से भी हाइट बढ़ने में मदद मिलती है, लेकिन अगर आप अपना मनचाहा कद पाना चाहते हैं तो रोज स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज भी करें। एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करने पर शरीर का विकास होता है, जिससे कद बढ़ने की प्रक्रिया मजबूत होती है। अपनी मुद्रा में सुधार लाकर भी कम से कम 1 इंच कद तो बढ़ाया जा सकता है। आगे झुकने, स्पॉट हाई जंप, रोप स्किपिंग, बार हैंगिंग जैसी कई एक्सरसाइज से आप 25 साल की उम्र के बाद भी अपना कद बढ़ा सकते हैं। धूप में बैठें। हाइट बढ़ाने में विटामिन डी बहुत मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों के विकास को प्रभावित करता है, इसलिए लंबाई बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक माना जाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की रोशनी होता है। धूप में बैठने से शरीर को विटामिन डी की जरूरी खुराक मिल जाती है। सुबह जल्दी उठकर या दोपहर में सन बाथ लेना बहुत लाभकारी रहता है, क्योंकि इस समय यूवी रेडिएशन सबसे कम होती है। योग करना। रोज योग करने से अनगिनत फायदे होते हैं। योग से उचित मुद्रा में बने रहने के लिए मदद मिलती है। अलग अलग मुद्राओं से शरीर में लचीलापन भी आता है। योग लंबाई बढ़ाने के अलावा शरीर के संपूर्ण विकास में मदद करता है। ताड़ासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन, अधोमुख स्वनासन, सर्वांगासन और स्ट्रेचिंग की मदद से लंबाई बढ़ सकती है। पर्याप्त नींद लें। गहरी नींद के दौरान ही ग्रोथ हार्मोन हड्डियों को लंबा और मोटा करने का काम करता है। आपके सोने का तरीका भी सही विकास को प्रभावित करता है। सोते समय साफ, मुलायम और आरामदायक कपड़े पहने एवं आरामदायक गद्दे पर ही सोएं। दोस्तों, इन आसान तरीकों की मदद से आप 25 साल की उम्र के बाद भी अपना कद बढ़ा सकते हैं। तो अब अगर आपकी हाइट ज्यादा नहीं है और आप अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उपरोक्त बताए गए तरीकों से आप कद बढ़ाने का कारगर प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ बांटना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। आगे मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।